अभी हम लोगों ने जो ये ऐप बनाया है, जो हमने एक किसको बोलते हैं कि सीआरयू का रेट बढ़ाने के लिए, बिल्कुल जी सर, तो मैंने कुछ कमेंट्स किया था सर, उसका आपने शायद वो रिप्लाई भी किया था कि मैं के अपना एक सेशन लेके आऊंगा यूट्यूब पे, तो उसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि लोगों को कुछ इस चीज का नॉलेज भी नहीं है जो कि आज हम लोगों का सीआरयू का रेट कम आ रहा है। बिल्कुल ठीक है सर, तो अभी इसका सर मैं आपसे योगेश जी पूछना चाहता हूँ, इसका अप करने का कोई क्या मतलब, कैसे ये अप हो सकता है सीआरयू हम लोगों का? सर, क्या इसको हम आपको लोग सब धीरे धीरे सब लोग इसको थोड़ा थोड़ा परचेज करके रख लें, या इसका आप कुछ कारण बताइए प्लीज इसका रीजन। देखो सर, दो ही चीजें हैं। अब तो हमको ही करना पड़ेगा। जी अगर आप ऐसे मानते हैं कि हम 100 लोगों के पास सीआरयू है, जी आपके पास भी सीआरयू है, मेरे पास भी सीआरयू है, यदि आप बेच रहे हैं उसको 1,000 रुपए में और मैं बेच रहा हूं उसको 2 रुपए में, तो सर आपका सीआरयू का नंबर तब तक नहीं आएगा जब तक मेरा पूरा बिक नहीं जाता। जब तक 100%। मैं 2 रुपए में मेरे पूरे खत्म नहीं हो जाते तब तक आपका सीआरयू 1,000 रुपए का नहीं बिकेगा। तो या तो हम लोग इंतजार करें कि जो लोग सस्ते में बेच रहे हैं उनके पूरे खत्म हो जाएं, राइट तो उसमें क्या होगा, धीरे 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 धीरे, जैसा आप कह रहे थे कि थोड़े थोड़े हम लोग सीआरयू खरीदें, तो 10 बिलियन के आसपास सीआरयू हैं मार्केट में अभी, तो वो सारे के जितने भी लोग बेचना चाहते हैं जो जल्दबाजी में हैं, तो जी उनके सारे के सबके सीआरयू बिक जाएंगे, तब जाके फिर हम लोग होल्ड करेंगे। तो उस टाइम जब होल्ड करेंगे तब जाके इसका प्राइस बढ़ेगा, पहली बात। दूसरी चीज ये है कि पूरी कम्युनिटी यदि एक साथ आ जाए और एक्सचेंज पर अपनी मैंने जो वो जो सीआरयू का प्राइस बढ़ाने के लिए जो प्लान बनाया था, वो इसलिए बनाया था क्योंकि बहुत सारे लोग परेशान थे कि हमारा सीआरयू हम कन्वर्ट करना चाहते हैं लेकिन रेट बहुत ज्यादा हो गया है। तो जैसे जी मेरे पास सीआरयू है, मैं तो सेल ही नहीं करना चाहता, मेरे पास सीआरयू है मैं सेल नहीं करना चाहता, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, चाहे वो 2 रुपए का हो, चाहे वो 10 रुपए का हो, चाहे 1,000 का, मुझे सेल नहीं करना है जब तक उसका प्राइस नहीं बढ़ेगा, भले ही मुझे 10 साल इंतजार करना पड़े। लेकिन जिन लोगों जो लोग कन्वर्ट करना चाहते हैं, समस्या उनकी थी, तो उनके लिए मैंने ये कहा था कि अगर सभी लोग जो बेच रहे हैं सस्ते में, अगर 1 महीने के लिए वो अपनी बिड को कैंसिल कर देते, मैं ये नहीं कह रहा कि आप बेचो या मत बेचो, मैं कह रहा हूं सिर्फ कैंसिल कर दो। कैंसिल करने के बाद 1 महीना वेट कर लो कि 1 महीना हमें इसको सेल ही नहीं करना। 1 महीना जब आप इसको सेल नहीं करेंगे तो हम सब लोग क्या करेंगे, $2 से ऊपर की बिड लगा देंगे। जी आपने $2 की बिड लगाई, मैंने लगा दी, और हम 100 लोग जितने भी, सबने $2 की बिड लगा दी। अब होगा क्या कि मैं उसको $2 में मैं सीआरयू खरीद लेता हूँ, एक सीआरयू मैंने खरीदा, तो एक्सचेंज के ऊपर सीआरयू की जो रेट जाएगी वो $2 शो करेगी, और जैसे $2 शो करेगी तो हमारे फॉर्मूले में जो कन्वर्ट रेट का फॉर्मूला है उसमें ऑटोमेटिकली कन्वर्ट रेट जो है वो 30 से 40 पैसे आ जाएगी। अब जब 30 से 40 पैसे आ जाएगी, इतना लोगों को पता लग जाएगा कि हमारे बिड लगाने से इसकी रेट कम हो गई, तो हम चाहेंगे तो उनकी $5 भी लगा सकते हैं हमारे हाथ जी में, और जैसे ही उसकी 1 पैसा या 30 पैसा 40 पैसा चली गई, तब हम लोगों से कहेंगे कि आप ऐसा कीजिए जो कन्वर्ट करना चाहते हैं वो कन्वर्ट कर लीजिए, इसमें आपको भी नुकसान नहीं है, मेरे को भी नुकसान नहीं है। तो बाकी जो बचे 10 बिलियन में से, मान लेते हैं कि 4 बिलियन लोग 4 बिलियन सीआरयू कन्वर्ट हो जाते हैं, तो मार्केट में रह गए 6 बिलियन। तो उस टाइम पे क्या होगा, एक तो लोगों को पता लग जाएगा कि सीआरयू का प्राइस कैसे बढ़ा, और अब जो बात चल रही थी कि इसका प्राइस बढ़ तो गया, चलो मान लेते हैं कि $2 चला गया, कन्वर्ट भी हो गया और 6 बिलियन बच गया, अब हमारे पास पैसा कैसे आएगा? तो पैसे के लिए एंड्रयू ने जो प्लान बनाया है कि जितनी भी कंपनी आ रही हैं, तो उन लोगों को हम लोग क्या कर रहे हैं कि एनडी का पैकेज, जब उनको जो फायदा मिलेगा वो तब मिलेगा जब वो WCRU लेंगे, और WCRU लेने के लिए उनके सामने कंडीशन रखी जा रही है कि कोई भी कंपनी WCRU के साथ साथ एक पर्टिकुलर एक क्वांटिटी में सीआरयू खरीदना जरूरी है। मान लेते हैं कि वो सीआरयू 1 लाख रहेगा या 2 लाख सीआरयू रहेगा, तो मैं कंपनी हूं और आपके पास सीआरयू है और मैंने देखा कि मुझे WCRU लेने हैं, तो मेरे सामने कंडीशन आ गई कि सीआरयू लेना है। अब मैं एक्सचेंज पे गया तो 2 रुपए में सीआरयू मुझे मिल रहा है, तो मुझे फायदा हो गया, जी तो 1 लाख सीआरयू 2 लाख के मैंने खरीद लिए। ठीक है, आपके पास सिर्फ और सिर्फ कितना आया, 2 लाख रुपए, और मैंने मेरे को बहुत सारे सीआरयू मिल गए। लेकिन अगर मैं एक्सचेंज पे गया और मुझे $2 का प्राइस मिल रहा है, मैंने सोचा यार अब मुझे खरीदना तो जरूरी है क्योंकि एनडी का बेनिफिट लेना है, तो
तो डब्ल्यू सी आर यू लेना पड़ेगा, और डब्ल्यू सी आर यू लेने के लिए मुझे सी आर यू खरीदना पड़ेगा। तो सी आर यू जब मैं $2 पे जाएगा तो मैं मना नहीं कर सकता, क्योंकि मैं एक आम व्यक्ति नहीं हूं, मैं एक कंपनी। तो मैं क्या करूंगा, मैं सी आर यू खरीदूंगा, भले $2 का मिले भले $3 का मिले, इससे आपका सी आर यू भी बिकेगा, आपके पास पैसा भी ज्यादा आएगा। तो दोनों काम हो गए, कन्वर्ट, लोग जो कन्वर्ट करना चाहते थे उनका कन्वर्ट भी हो गया, और जो लोग पैसा चाहते हैं उनको केवल और केवल 3-4 महीने तो इंतजार करना है, उसके बाद उनको पैसा मिल जाएगा। तो लोग जो है इतना सस्ते में बेच रहे हैं, इंतजार ही नहीं कर सकते। ताजुब की बात है, जब आपने 2-3 साल इंतजार कर लिया तो 6 महीने और कर लो। योगेश जी, कोई बड़ा लीडर तो इसको बेचना ही नहीं चाहता, जिसको नॉलेज है वो क्यों बेचेगा सर। अभी जो प्राइस जो बिल्कुल डाउन है एक्सचेंज पर, जिन्होंने एजुकेशन नहीं लिया, जो नॉलेज लेना नहीं चाहते हैं, वो पूरा जीरो कर रहे हैं सीआरयू को। नॉलेज तो आपको पता है, रत्नाकर सर को पता है, हमें पता है, तो हमने तो अभी तो और परचेज करना है सर, मुझे तो अभी और परचेज करना है। बिल्कुल बिल्कुल, ओवर लिमिट। मैं लोगों से, अब देखो मैंने जो चैनल पे मैंने क्या किया, एक मैंने वीडियो डाला कि बिलियन से ट्रिलियन क्या होता है जी सर। तो उसको पहले दिन में 2000 लोगों ने देख लिया, और दूसरे दिन मैंने वीडियो डाला कि फाइनेंशियल लिटरेसी क्या होती है, उसको 5 दिन के बाद भी सिर्फ 500 लोगों ने देखा। इससे क्या पता लगता है कि लोग एजुकेशन नहीं लेना चाहते, लोग बिल्कुल नहीं सर। आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो कि वन टाइम आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर दिया छोटा छोटा, अब वो देख रहे ठीक है कुछ होगा तो ठीक है, नहीं तो हम अपना सेल करके निकल जाएंगे। पर सर हमें दुख होता है कि जिन लोगों ने हमारे साथ शुरू किया था 2018-19 में, जिन लोगों ने 19 में से मार्च 2019 से सीआरयू खरीदा, उन लोगों ने 2-3 साल इंतजार किया, तो जब वो फायदे का समय आया है तो वो क्यों किसी के बहकावे में आके सस्ते में बेच रहे हैं। ऐसा नहीं है कि, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खुद नहीं बेच रहे, उनको कोई ना कोई उनका पड़ोसी जो है ना वो बिकवा रहा है कि ला मैं तेरे एक्सचेंज में बेच देता हूँ वो कमीशन कमा रहा है सर, वही नॉलेज की बात है ना सर तो ये चीज है, बाकी कोशिश कर रहे हैं हम लोग, पूरी कम्युनिटी अगर एक साथ होती। अरे सर, जब ब्लॉकचेन बिटकॉइन की मैंने तो सर कमेंट बॉक्स पर भी लिखा था सर, $100 $50 $500 जिसको जितना चाहिए वो अपना क्वांटिटी कम से कम एक्सचेंज पे कम तो दिखेगा, कुछ तो वो होगा। लेकिन किसी ने मुझे कमेंट्स में पता है क्या लिखा, अरे सर कितना खरीदोगे, अभी तो बहुत है, पता नहीं 5 करोड़ समथिंग हर महीने ओपन हो जाता है, मतलब 5 करोड़ सीआरयू डिविडेंड का वो दोबारा से एक्सचेंज पे आया था, कितना खरीदोगे आप, मुझे कमेंट्स में लिखा हुआ। ठीक है, 5 करोड़ तो क्या है, अपन तो टोटल मान लेते हैं ना। देखो सर, मैं आज इस वेबिनार में सब लोगों के सामने एक बात कहना चाहता हूँ, 72 लोग हैं, 72 लोगों को एक बात समझाना चाहता हूँ, अगर जो लोग जिनको नहीं पता है कि ये जो सीआरयू है वो अलग से नहीं है, ये 80 बिलियन डब्ल्यू सीआरयू का छोटा पार्ट है। राइट, 80 बिलियन जो डब्ल्यू सीआरयू हमारे पास है उसमें से सीआरयू 10 बिलियन बचे हमारे पास, और साफ साफ व्हाइट पेपर में लिखा हुआ है कि ये जो 10 बिलियन जो बचे ना ये भी यहीं पे जाने वाले हैं, 100% आज नहीं तो कल जाएंगे, आप भले ही उसको कितना भी रोक लो, आज कल परसों 5 साल बाद 10 साल बाद इनको वापस यहीं जाना है, सीआरयू नाम की कोई चीज रहेगी ही नहीं, क्योंकि साफ साफ डब्ल्यू सीआरयू की उसमें व्हाइट पेपर में लिखा हुआ है 80 बिलियन डब्ल्यू सीआरयू। अब मुझे बताओ 80 बिलियन तो डब्ल्यू सीआरयू उनको मिला के है, तो आप कितना भी इनको रोक लो, आज आप जितना भी रोकोगे आगे जाके इसका प्राइस बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ये फैक्ट है कि डब्ल्यू सी आर में कन्वर्ट होगा ही होगा, चाहे कुछ भी कर लो। अब एंड्रो के पास एक योजना है कि ये लोग तो नहीं दे रहे हैं, तो ऐसा करते हैं कंपनी के माध्यम से लाख दो लाख बिकवा देते हैं। राइट, मैं भी यही कहने वाला था आपको सर, ये कंपनी तो एक बहाना है, ये हमारी कंपनी को रिटर्न वापस चाहिए चाहिए बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। यस यस, मुझे मालूम है सर। तो ये लोग नहीं समझ रहे इस चीज को कि जब सुनो सर, देखो अभी तो हम लोग ना वेबिनार करके हम लोग सब लोगों को हिंदी में समझा रहे हैं कि भैया ये चीज है सीआरयू मत बेचो, बाद में कहेंगे अरे सर हमने आपका माना नहीं, अभी कहना है ना डब्ल्यू सीआरयू खरीदेंगे, कंपनी आएगी उसको सीआरयू की जरूरत पड़ेगी, ये सिर्फ सब एक बहाना है, ये दोबारा से सीआरयू हमारी कंपनी में बैकअप रिटर्न आने हैं, और इसका प्राइस सर आप जानते हैं और सर लीडर सब जानते हैं। बेसिकली हाँ, बिल्कुल सही बात है। खैर, कंपनी अपनी कंपनी ले या कोई दूसरी ले, लेकिन बेसिकली होगा ये डब्ल्यू सी आर में कन्वर्ट 100% सर, 100% कंपनी भी लेगी ना, वो भी कन्वर्ट ही करेगी। जी सर, आपको भी पता है कि अगर मान लीजिए आज की तारीख में ये $1 है, तो अगर सीआरयू को कन्वर्ट कर रहे हैं तो $1 से सस्ता ही है,
मेन चीज ये। और जैसे ही ये बिकेगा इसका रेट बढ़ेगा तो कन्वर्ट रेट और कम हो जाएगी, जी 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 ये वाली चीज है। ठीक है, थैंक यू योगेश जी। ओके सर।